हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में और दिखाएंगे आपको कि मल्टीबैगर होता क्या है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना वन स्टॉक विच कैन बिकम मल्टीबैगर इन फाइनेंस सेक्टर। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का हमने स्टॉक का चुनाव किया है जो कि मल्टीबैगर रादर है और आगे भी चलता रहेगा, उसका कारण हम बताएंगे। तो सबसे पहले ये आप देखिए, ये उस स्टॉक का चार्ट है फ्रॉम द बिगनिंग के कैसे फ्रॉम द लोअर लेवल स्टॉक हैज रिजन एंड देयर आफ्टर टेकन ऑफ सिंस 2014 एंड टच्ड न्यू हाइट्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये वाला स्टॉक वीक हार्ट्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो स्टॉक को 5% ऊपर नीचे होता हुआ देख सकते हैं। जिन लोगों को 5% ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे एंग्जाइटी हो जाए, कृपा करके इस स्टॉक को हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये स्टॉक आपको टेंशन दे सकता है। क्योंकि जब ये गिरेगा तो हो सकता है 5-10% गिर जाए या 10-20% भी गिर सकता है, और बढ़ेगा तो 10-20% बढ़ भी सकता है। तो वीक हार्ट्स टू स्टे अवे, और इस स्टॉक को कभी भी आपने मार्जिन में लेकर के ट्रेड नहीं करना। अगर आपके पास पैसा है तभी इस स्टॉक को लेना, अदरवाइज इस स्टॉक से दूरी बना के रखना। क्योंकि हमने आपको दिखा दिया है कि ये वाला स्टॉक तकरीबन डबल डिजिट से आज 4 digits के करीब है, और 4 digits में भी वो 5 digit के नजदीक जाने वाला है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि फ्रॉम 2 digits से आज 4 digit का स्टॉक है और 5 digit के नंबर पे जाने वाला है। तो समझ सकते हैं कि ये स्टॉक में कितना पावर है। तो जो मार्केट को मॉनिटर करते हैं इस चार्ट को देख करके बता सकते हैं कि ये फाइनेंस सेगमेंट का स्टॉक है, और इसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बहुत सारे लोग बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बीच में कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ये कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए कि बजाज फिनसर्व जो है वो इनका पेरेंट कंपनी है और ये बाकी उसके आगे बच्चे हैं। तो बजाज फिनसर्व बेसिकली दादाजी है और बाकी ये ऑफशूट चिल्ड्रन हैं, और अपने अपने महकमों में ये अपना अच्छा नाम कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि क्यों ना हम दादाजी को ले लें, उससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। पर याद रखें, अगर आप मल्टीबैगर चुनना चाहते हैं तो उसी सेक्टर में चुनिए, ना कि उसके दादाजी को, क्योंकि दादाजी के पास 4 और तरह के काम होंगे, तो उससे क्या है कि जो मल्टीबैगर का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बजाज फिनसर्व में कंपैरेटिवली वॉलेटिलिटी कम रहेगी एज कंपेयर टू बजाज फाइनेंस। तो वीक हार्ट्स कैन गो फॉर बजाज फिनसर्व, एंड जो लोग वॉलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं वो बजाज फाइनेंस के साथ जा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्टॉक चार्ट कि कैसे ये वाला स्टॉक तकरीबन 5,534 के करीब इसने अभी रीसेंट लो बनाया, एक्सक्यूज मी, समवेयर इन बिटवीन अप्रैल और बिगनिंग ऑफ द मे, और अब उसके बाद से ये स्टॉक एक नए दिशा में है। तो अगर आप देखेंगे कि ये इसका कंसोलिडेशन जोन रहा है, तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका मतलब है कि अब स्टॉक तैयार है एक नए अपमूव के लिए। तो ये कंसोलिडेशन इसका तकरीबन 6,500 से लेकर के 7,000 के बीच में हो गया, और अब यह 7,000 की रेंज को तोड़ करके ऊपर निकल चुका है। अगर 7,000 का लेवल मेंटेन करता है तो ये स्टॉक 5 digits नंबर को टच कर सकता है। तो याद रखिए, लीवरेज पे नहीं लेना। वीक हार्ट्स ने ये स्टॉक को बिल्कुल नहीं खरीदना है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में ज्यादा रहता है। मल्टीबैगर क्यों है, उसका कारण हमने आपको दिखा दिया कि फ्रॉम द ईयर समवेयर अराउंड से 2005 ऑनवर्ड स्टॉक हैज गिवन फिनोमिनल रिटर्न फ्रॉम 2 digits टू
फोर डिजिट्स हेडिंग टुवर्ड्स फाइव डिजिट्स। तो कोई बोलेगा कि हम क्यों लें, तो याद रखिए अगर पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, या वाइस वर्सा, इश्क है तो रिस्क है। तो बजाज फाइनेंस हमारा डार्लिंग स्टॉक है। हमने इस स्टॉक को तकरीबन 2003-04 के अंदर इसको अपनाया अपने पास, और रादर टू बी प्रिसाइज 2005 के अंदर, क्योंकि तब हम एसी लेने के लिए गए तो वहां पे देखा कि दुकान के अंदर पहले ही बजाज फाइनेंस का बंदा बैठा है। तो हमने कहा कि 15,000 का एसी लेना है, कैश लेने से अच्छा है कि हम इससे ईएमआई पे ले लेते हैं और ये वाला पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। और हमें यकीन था कि हम जितना इसको ईएमआई में इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे ज्यादा हम स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे, एंड इट प्रूव टू बी ट्रू। तो हमने क्या किया, जो ईएमआई लिया उसका ही उतना पैसा हमने बजाज फाइनेंस के अंदर लगा दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में क्लैरिटी होगी होगी। बजाज फाइनेंस अब इतना बड़ा हो गया है कि वो आपको हर स्टोर के अंदर मिलेगा आपको ईएमआई करने के लिए, पर इसको अभी छोटे छोटे प्लेयर्स इसको डराने के लिए आना चाहते हैं, पर हमें नहीं लगता कि कोई इसको डरा पाएगा, क्योंकि अब ये मेगा प्लेयर बन चुका है जो जिसके पास मार्केट काफी सारा है और कोई इससे मार्केट छीन नहीं सकता। और मेरे ख्याल से जो एक बार बजाज फाइनेंस के साथ जुड़ जाता है तो जनरली वो बजाज फाइनेंस के साथ ही जुड़ा रहता है, क्योंकि वो उसका आगे ईएमआई कार्ड वगैरह आप भी बना देते हैं, जिसके साथ वो बंदा जब भी कोई और सामान लेने जाता है तो बजाज फाइनेंस को याद करता है। रादर रिसेंटली बजाज फाइनेंस का सीईओ ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जो लोग हमारा फोन नहीं उठाएंगे हम उनको लोन भी नहीं देंगे। तो दिस इज ए कैटेगोरिकल टाइप ऑफ थ्रेट विच द लीडरशिप हैज गिवन, बिकॉज दे नो डेट दे आर डूइंग गुड जॉब, और इनका लोन आपको मिनटों में मिल जाता है। और जब कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने के लिए गया है तो वहां पे ईएमआई वाला आदमी बैठा हो, तो लेना हो मान लो 50,000 रुपए का टीवी, तो आदमी तब हिम्मत करके 70-75 या हायर लेवल का भी टीवी ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इमीडिएटली मैंने वो पैसा नहीं देना और स्प्रेड ओवर 12 मंथ्स करेंगे। तो अगर हम इनका परफॉर्मेंस देखें जो कि अभी रिसेंटली आया है, तो हम देखते हैं मार्च 22 से नेट सेल्स इनकी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। ऑपरेटिंग इनकम को हम छोड़ देंगे, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी छोड़ देंगे, और इफेक्टिवली हम देख रहे हैं कि ये अपना छोटे प्लेयर्स का मार्केट खत्म करने की पूरी कोशिश में है। और जो रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे चोला फाइनेंस वगैरह हैं वो अच्छे हैं, पर उनका पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, तो जिसके कारण वो इनको ज्यादा टक्कर नहीं दे सकते हैं, अनलेस रिलायंस, आदित्य बिरला या और बड़े बड़े ग्रुप एकदम से लॉन्च करें तो इनको कंपटीशन दे सकते हैं, पर वो लॉन्चिंग भी जियो स्टाइल का होना चाहिए तभी कोई इनको टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत कम है। अगर आप पैसा मार्केट से 7% पे उठा रहे हो तो अगर 8% पे या 9% पे दे रहे हो, और अगर आपको कोई मिल जाए जो 8.5% या इवन 8.75% पे आपको ईएमआई दे रहा है तो आप उससे लोगे, बर्शते जो आपको 9% पे आपको ईएमआई प्रोवाइड कर रहा है। पर बजाज फाइनेंस का ये फायदा है कि ये हर शॉप पे प्रेजेंट है जहां पे भी कंज्यूमर्स बिक रहे हैं, और उसके कारण इसने काफी सारा मार्केट का पकड़ बनाया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बजाज फाइनेंस एक वो उड़ता हुआ तीर है जिसको आप पकड़ तो लें, बट रिमेंबर कि वो तीर गर्म भी है तो आपको उसकी हीट झेलने की काबिलियत भी आनी चाहिए। तो अगर आप और भी पैसा बनाना चाहते हैं तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन से अच्छा कोई भी इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करके रोजाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लिसन टू वन ऑफ आवर क्लाइंट्स वीडियो टेस्टिमोनियल। हाय, आई एम कैप्टन कनाडा विद एक्स इंडियन नेवी वर्किंग इन द मर्चेंट नेवी नाउ। आई ट्राइड विद फ्यू tips providing services
However, I settled with the IndianShareTips.com. IndianShareTips.com are giving exact, very good Bank Nifty tips, and I experienced. I would like to continue. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको इनके वीडियो टेस्टिमोनियल से फायदा मिलेगा। हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पर वीडियो टेस्टिमोनियल का एक लिंक है और वहां पर आप क्लिक करके सारे वीडियो टेस्टिमोनियल देख सकते हैं, जहां वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एंड अ वर्ड अबाउट बैंक निफ्टी ऑप्शन, मॉर्निंग 9:15 AM टू 10:15 AM ओनली, 1 आवर 10,000 कैपिटल। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं प्रॉफिट नहीं बना पाया स्टॉक मार्केट से, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था। 10,000 का छोटा सा कैपिटल है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, ऑन अ डेली बेसिस कम ट्रेड करते हैं। मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है, मेक यूज ऑफ आर निफ्टी ऑप्शन टिप्स जो कि आफ्टरनून में दी जाती हैं और इक्वलेंटली अच्छा मुनाफा कमाते हैं हम उसके साथ, और हमारे क्लाइंट्स निफ्टी ऑप्शन से भी उतने खुश हैं जितने के बैंक निफ्टी ऑप्शन से हैं। तो जनरली हमारा जो क्लाइंट बैंक निफ्टी ऑप्शन लेता है वो निफ्टी ऑप्शन भी जनरली लेता है, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे और आपको मेक श्योर करेंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, क्योंकि आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है। लास्टली गो थ्रू द डिस्क्लेमर and we look forward for an association with you. Thank you.